जय माता दी दोस्तों आज और एक मैं नवरात्रि स्पेशल रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं बना रही हूँ आज कुट्टू के पकोड़े तो आप देखते हैं ये पकोड़े कैसे बनेंगे जिन्हें हम बहुत ही आराम से बड़े ही कम सामान से बना के तैयार करेंगे तो फ्रेंड्स ये मैंने कुट्टू का आटा लिया है जो इस तरह के पैकेट में आराम से मार्केट में मिल जाता है आप किसी भी परचूने की शॉप से कुट्टू का आटा ले सकते हैं व्रत में खाए जाने वाला आटा कहलाता है तो फ्रेंड्स ये कुटू का आटा ये है जीरा व्रत वाला नमक हरी मिर्ची और हरा धनिया जिसको मैंने छोटा छोटा कट किया हुआ है और ये आलू जिसके मैंने गोल गोल स्लाइस बना लिए हैं तो अब हम आलू के और कुटू के आटे के पकौड़े बनाना शुरू करते हैं तो पकौड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे और इसमें सबसे पहले हम डालेंगे जीरा व्रत वाला नमक और हरी मिर्ची और हरा धनिया तो फ्रेंड्स ये सब इसलिए डाल रही हूँ कि पहले हम एक पकौड़ों का घोल तैयार करेंगे तो इस बर्तन में मैं तैयार करने वाली हूँ अपने पकौड़े बनाने के लिए घोल तो ये मैंने सारी चीज़ें डाल दी हैं और अब इसमें हम डालेंगे कोटू का आटा तो आपको जितने पकौड़े बनाने हैं उसके हिसाब से एक घोल तैयार कर लें जैसे हम बेसन के पकौड़े बनाते हैं उसके लिए घोल तैयार करते हैं पर ये थोड़ा टाइट घोल तैयार कीजिएगा अब इसमें पानी डालकर धीरे धीरे से हम एक बैटर तैयार करेंगे फ्रेंड्स वर्थ में ये कुटू के पकौड़े बहुत टेस्टी लगते हैं वैसे भी आप इन्हें ब्रेकफास्ट की रेसिपी इंक्लूड कर सकते हैं जब मन चाहे तो भी इन्हें खा सकते हैं और ये बहुत जल्दी बहुत कम सामान में बन के तैयार हो जाते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं तो ये पानी डालकर एक घोल मैंने तैयार कर दिया है और अब साइड में हम एक गैस पर कढ़ाई रख देंगे और इसमें चढ़ा देंगे तेल आप चाहें तो घी में भी बना सकते हैं लेकिन अब तेल भी चढ़ा सकते हैं तो जब तेल गरम हो जाए तो फिर हम इसके पकोड़े बनाएंगे तो फ्रेंड्स अभी तेल जो अच्छे से गरम नहीं हुआ है इसे अभी थोड़ी देर और लगेगी तो जितने तेल गरम हो रहा है तो उतने जो हमने आलू के पीसेस कट करके रखे हैं उन्हें हम इस घोल में डाल देंगे और फिर हम बनाएंगे आज अपने कुटू और आलू के पकौड़े तो इस तरह से सारे आलू मैंने डाल दिया इस कोटू के पेस्ट में और अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे तो हम इसे इस तरह से मिक्स करेंगे कि कोटू का आटा जो है वो अच्छी तरह से हमारे आलू पर लग जाए तो फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा कि बड़े अच्छे से सारे आलू जो हैं वो इस बैटर में डिप हो गए हैं तो अब हमारे आलू भी तैयार हैं और इधर हम कढ़ाई में चढ़ाए हुए तेल को भी चेक कर लेते हैं तो फ्रेंड्स ये तेल भी अच्छे से गर्म हो चुका है तो अब इन आलूओं को जिनको हमने कोटू के पेस्ट में भिगो के रखा हुआ है उन्हें कढ़ाई में एक एक करके कुछ इस तरह से डालेंगे कि जिससे हमारे पकोड़े फ्राई हो जाएं पर आपको ध्यान रखना है कि तेल ज़्यादा गर्म भी ना हो और ज़्यादा ठंडा भी ना हो अगर ठंडा होगा तो पकोड़े क्रिस्पी नहीं बनेंगे और ज़्यादा गर्म होगा तो पकोड़े जल जाएंगे इसलिए मीडियम आंच पर आप इन पकोड़ों को फ्राई कर लें क्योंकि जो कोटू का आटा वो बहुत जल्दी से सख जाता है तो इस तरह से हमने सारे पकौड़े जो हैं बनने के लिए कढ़ाई में चढ़ा दिए हैं आप थोड़ी देर के लिए उन्हें ऐसे ही पकने देंगे तो फ्रेंड्स अब ये पकौड़ा को हम धीरे धीरे किसी पलटे से इस तरह से हिला देंगे कि जिससे वो ऊपर नीचे पलट जाए तो हमें इन्हें दूसरी तरफ से भी सेकना है तो इस तरह से हम दो तीन बार इन्हें पलटेंगे और पकौड़े तैयार हो जाएंगे तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि पकौड़े अच्छे से सीख गए हैं लेकिन अभी थोड़ी सी कसर है इन्हें थोड़ा सा और हमें पकाना है जिससे वो अच्छे से क्रंची भी हो जाए और अंदर तक आलू पक जाए तो फ्रेंड्स अभी एक बार के पकौड़े तो बन तैयार हो गए हैं तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे तो इस तरह से निकाल के हम रख देंगे इसे प्लेट में और आपको जितने पकौड़े बनाने हैं सेम इसी तरह से बनाएँ तो हमें ये दूसरे जो मेरे पास बचे हुए आलू हैं उन्हें भी फ्राई करने के लिए इस तेल में डाल दूँगी तो फ्रेंड्स जैसे कि हमने पहले किया था कि आलू को बैटर से इस तरह से निकाला घुमाते हुए और कढ़ाई में डाल दिया सेम उसी तरह से सारे आलू को इस ऑयल में फ़्राई होने के लिए डाल देंगे बस गैस को आप मीडियम रखें और ना तो लो रखें और ना ही ज़्यादा तेज़ करें क्योंकि अगर लो पे होंगे तो ढंग से पकेंगे नहीं और हाई कर दोगे तो पकौड़े जल जाएंगे इसलिए मीडियम फ्लेम पर ही आप पकौड़े बनाएं तो पकौड़े अच्छे से सिक कर तैयार हो जाएंगे तो ये देखो पकौड़े एक तरफ से सीख चुके हैं तो मैं इन्हें फिर से चला दे रही हूँ कि वो जिससे ऊपर नीचे दोनों तरफ से अच्छे से सीख जाएँ और अब इन पकौड़ों को भी हम बाहर निकाल लेंगे तो फ्रेंड्स जितने मैं इन सारे पकौड़ों को बाहर निकालती हूँ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको नवरात्रि में कुछ चटपटा खाने का मन हो और आपको रेसिपी जरा भी यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक तो करें ही शेयर भी कर दें और हो सके तो जो न्यू मेरे साथ जुड़ रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने हुए बेल के आइकॉन को दबा लें जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से पहले मिलता रहे तो फ्रेंड्स देखो आपसे बात करते हुए मैंने सारे पकौड़ों को बाहर निकाल लिया है तो पकौड़े तो बन के हो गए हैं अभी हम तैयार अब इन्हें हम सर्व करेंगे किसके साथ इसके लिए भी आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें तो अब इन्हें सर्व करने के लिए मैं ले रही हूँ एक प्लेट तो मैंने कुटों के पकौड़ों को सर्व किया है ये पुदीना की चटनी और चाय के साथ आप चाहें तो इन्हें दही के साथ भी खा सकते हैं हरे धनी की चटनी के साथ भी खा सकते हैं बस आपको ध्यान रखना है कि अगर जो चटनी बना रहे हैं उसमें भी वर्त वाला नमक और वर्त की सामग्री यूज़ की गई हो तो फ्रेंड्स आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना और इन्जॉय करें कुट्टू के पकौड़े विद पुदीना की चटनी और चाय के साथ फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में बाय बाय सी यू take care enjoy gita singh recipes thanks for watching jai mata di dosto.